राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। जलाने आग जो आई थी आशियाने को, शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। एक दिन मैं कफन विच बैसा, मेरा बेटा वर्दी चुट के मेरा इस्तकबाल करे सी। स्कूल वाले ने पूछा, बच्चे तू पढ़ के की बस निशान आख्या, बस मैं वड्डो के जिस वे मैं पढ़सा, पढ़ के फौज च बैसा, मैं फौज च अपने वतन की हिफाजत करें दे शहीद होसा। सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चवन की फिजाएं सलाम कहती हैं, तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आवाज़ के साथ आपका मेज़बान ज़ुल्क़रनैन शिराज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने प्रोग्राम सबक आमोज़ में अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का सबक आमोज़ शहीद ज़ीशान हैदर की कहानी पर मुश्तमिल है। शहीद ज़ीशान हैदर 1994 में भलवाल के अंदर पैदा हुए और शहीद ज़ीशान हैदर ने 2015 के अंदर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की। 16 जनवरी 2020 को सवात के इलाके चारबाग में दहशत गर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन में इंतहाई बहादुरी के साथ दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। सरहदों पर मामूर ये फौजी जवान अपनी जान का नजराना पेश करते हैं ताकि दुश्मन को ये बात समझाई जा सके कि हमारी माओ ने अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर हमें पैदा किया है। शहीद ज़ीशान हैदर ने अपने सीने को गोलियों से छलनी करवा के इस मुल्क का ये कर्ज अदा किया। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी बहादुर माँ के साथ कि जिन्होंने इस मुल्क के गुलिस्तान की हिफाजत की खातिर अपना लाल कुर्बान कर दिया। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहीद ज़ीशान हैदर की जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। ज़ीशान हैदर अपनी जिंदगी त्रीजी जमात पढ़ते आए तो स्कूल वाले ने पूछा, भी बच्चे तू पढ़ के बन सी। ज़ीशान आख्या, बस मैं वड्डो के जिस वे मैं पढ़सा, पढ़ के फौज च बैसा, मैं फौज च अपने वतन की हिफाजत करें दे शहीद होसा गया। ये ज़ीशान पहले त्रीजी क्लास पढ़ता तो आख्या, बस जिस वे वड्डा हो गया तो अपनी तालीम हासिल की, मैट्रिक विच होया, मैट्रिक करके तो उस इस विच अप्लाई किया, 12वीं दे पेपर दिते, उस सनत बाद विच आई, मैट्रिक करके तो फौज च चला गया। फौज च बस 3-4 साल उस अपनी जिंदगी दे जड़े हैं उस गुजारे, 4 साल 10 महीने 16 दिन आए जिस दिन शहीद होया। नौकरी च गया तो अपनी नौकरी उस अपनी जो ड्यूटी है टाइम तो पड़िया, टाइम तो आया, टाइम तो गया अपनी ड्यूटी तक। सुबह कॉल की, पूछिया अम्मी के हाल है, सेहत तबीयत ठीक है? जिस टाइम भी एन आउट हों उस टाइम ही कॉल करें, अम्मी ठीक है? मैं आख्या मैं ठीक आदम हाँ। मौसम की वजह, मैं आख्या बच्चे धुप चढ़ी हुई अद्धा पे अम्मी, मैं जब छुट्टी होना उस टाइम तो गर्मी हो सी, मैं आख्या जी है बच्चे, लेकिन 11 तारीख की छुट्टी लिखी हुई आ, 11 तक उस कैंसल करा छी। दूजा भाई जरा आर्मी एयरफोर्स उस 28 तारीख में आना छुट्टी, तो आखिर मैं भी 28 ने छुट्टी आ। उसा गया शामी कॉल की, 6:20 तक मैं छोटा बच्चा उस दे को मोबाइल उस नहीं दसिया, मैं वेख्या 8 दा टाइम आ, मैं कॉल की कोई नहीं सचाई। उस तो बाद मैं मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया, मैं आख्या बच्चे तू कॉल की, मैं असाम को मोबाइल आ, तो मैं तेरी कॉल चाह ना सकी, जिस वक्त मेरा मैसेज सुन सन उस टाइम तू मैंने कॉल करनी जरूर, कोई नहीं की। बस रात पै गई, मैं लेट गई हूँ, कोई पता नहीं, मैं सुती जागदी, 10 बजे मेरी घमाडन आई, दरवाज़ा उस खोलिया, मैं झाटो बैठ रही, वो चली गई, मैं बस थोड़ी तिलावत की करके मैं लेट गई। 3:33 आए, कराची फोन आया, वो साढ़े पड़ोसी गए, उन्हें किया तो उस दुआ सलाम की करके, तो पूछे अम्मी रिजवान ना गल हुई है? मैं आख नहीं बच्चे, आख मैं रिजवान फोन करें दे चाहता नहीं पे, मैं बच्चे हो गया कोरस था उस कोई नहीं फोन चाहना, अदमी गल हुई है रिजवान, मैं आख बच्चे सुबह हुए, मैं मत गल की, मैं आख बच्चे हूँ जी भी गल है ना, इन्हों के अबू ज़्यादा बीमार रहा है, मैं उन्होंने टेंशन आई, मैं आख बच्चे हूँ जी भी गल है तू मैनू दस छड़, मेरी हूँ टेंशन बद गई। वह दिन अम्मी ज़ीशान शहीद हो गया। ज़ीशान अंदा ज़ीशान भाई सवा चार बाग शहीद हो गया। इतने तक मैं उठी, मैं लाइट बंद कदी नहीं की, उस दिन कर छी,
लाइट खोली, खोल के मैं मोबाइल लेके बाहर आ गई। बाहर आके मेरा वड्डा बेटा मदीने आंदा, मैं उसका नंबर जिसे कढ़िया नंबर आन आ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पई मैं उसे किस तरह दस। इरफान हैदर नूं दसी जिशान सवाद शहीद हो गया। वह मैं मैसेज जिस वे वॉइस करेंदी गई वह सुन लिया। इतने तक इहदी यूनिट चो फोन जिशान की यूनिट चो आ गया। मैं फोन चाया चाह के दिन जिशान की वालदा, मैं आख जी अदन कोई मरद है गल करा, मैं आख जी कोई मरद नहीं मेरे को, इन्हों के अबू कराची, इन्हों का वड्डा भाई जरा मदीने, छोटा भाई जरा इदा पिंडी है एयरफोर्स, तो मेरा जिशान शहीद हो गया जाने जी। सुबह 9 बजे असं जनाजा करना, जनाजा करके असी उतो रवाना होना। मैं वह उठ के गई पड़ोसियों का, मैं दरवाज़ा खड़काया, मैं कली आ पड़ोसियों दरवाज़ा खड़काया, मैं आखिर मेरा बेटा शहीद हो गया। बट वह आए उन्होंने वह मोबाइल नप के जिदे जिदे साडे रिश्तेदार आए उन्होंने सारे खबर की। अगो 5 बजे जिशान आ गया मेरे को, मैं कोई रूनी शुनी ना बिल्कुल, लेकिन जिस टाइम मैं शहादत सुनी ना इतना सिर्फ आख्या पा के मां मैं सोने तेरे अली अकबर दे सदके, जनाब उम्मी लैला मैं तेरे सोने अली अकबर से कितना सोना अली अकबर आ, ते आज मैं वो अपने वाला सबर अता करे क्यों मेरी बेटी कोई नहीं इसमें नासरा देना, तो मेरा बेटा उसी उसके वास्ते मैं अब तो बहुत कमजोर हो बस, अब मैं कोई रूनी ना, मेरे बेटे आते रहन, मेरे रिश्तेदार आते रहन सारे, बिल्कुल मैं त्रकड़ी रही। उस तो बाद वक्त मैं 12 बजे तो पिछा जिसे मेरे पत्र जाता भी नेड़े आ गया, वुजू किया, वुजू करके सूरत पढ़िया जड़िया जितनी आनियां कुछ आनी भी भुल गई, आया मैं बत्री दाना बख्शी बख्श के अल्लाह दे सपुरद कर दिता। लाइक सलाम है और कितना बुलंद हौसला है उन माओं का कि जो अपने बच्चों की, अपने जवान बेटे की शादी की तैयारियां कर रही हूँ, उनके सेहरा बंदी की तैयारियां कर रही हूँ और अचानक उन्हें अठवें महीने शादी आस, दूजे महीने की 16 तारीख शहीद हो गया, 17 मेरे को आ गया, शादी की तैयारी आई बिल्कुल तैयार हास। इन्हीं शहीद जिशान हैदर की 2 माह बाद शादी है और वालिदा और सारे घर वाले तैयारियां कर रहे हैं कि हम शहीद जिशान हैदर की शादी करेंगे, उनकी खुशियां मनाएंगे, लेकिन जब मुल्क की हिफाजत की बात आती है, जब मुल्क पाकिस्तान के सरहदों के तहफ्फुज़ की बात आती है, तो ये माएँ अपने दिल पर पत्थर रख लेती हैं और उन करबला वालों को याद करके अपने जवान बेटों को इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देती हैं। आपके एक और बेटे भी हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सर्विसेज कर रहे हैं, तो ये आपके बड़े बेटे थे, इनकी शहादत की खबर सुनने के बाद क्या आप मोहतात हो गई या आपको डर लगा है कि नहीं अब मेरा दूसरा खौफ नहीं आया? बस मैं बिल्कुल तरकड़ी हो गई जिस वे मैं खबर सुनी ना, उस टाइम मैं बस पाक इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने बुलाया और उन्होंने तहफ़ राई आख्या बस ये मादरे वतन है, ये जमीन है, ये माँ है, ये अपने मुल्क की हिफाजत है, क्यों ये जवान बच्चे हिफाजत ना करन साढ़े फौजी तो सन कोई दुश्मन बाण ना दे, दुश्मन साढ़े घर पहुँच। ये माएँ वाकई लायक सलाम है जिन्होंने अपने बच्चों को दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के और सीना तान के दुश्मन का मुकाबला करने का दर्स दिया है और वाकई ये बहादुर माएँ वजह हैं कि आज इस मुल्क पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके नहीं देख सकता, क्योंकि इस मुल्क के ये बहादुर बेटे दुश्मन को ये रोज़ पैगाम देते हैं अपनी जानें कुर्बान करके कि अगर तुमने हमारे मुल्क की जानब मैली आँख से देखा तो हम तुम्हारी आँख फोड़ देंगे, अगर तुमने उंगली उठाई तो तुम्हारी उंगली तोड़ देंगे, चूँकि ये शहदा इस पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के ज़िम्मेदार हैं और इन्होंने आज तक अपनी जानें कुर्बान करके इस पाकिस्तान की हिफाजत की है। शहीद जिशान हैदर की शहादत की खबर सुन के सब्र करना और इसको बर्दाश्त कर जाना कितना मुश्किल काम था। इमाम हुसैन था कितना सोना अली अकबर आ, कितना मासूम अली असगर आ, तो किस वास्ते गया है वो अपना दीन बचाने का, ये अपनी मादरे मिल्लत वास्ते गया, थोड़ी सारी नौकरी 4 साल 10 महीने 16 दिन केड़ी नौकरी, थोड़ी नौकरी और इतना बच्चा जहीन और बहादुर और इतनी उदी प्रकशिश आई जी हर अफसर आदा मेरे नाल रवे, इस टाइम शहीद भी होया उस टाइम भी मौला अली सरकार दा नारा उदे मुँह विचा इतनी या अली मदद बस
वो जरूर परवाज कर गया। शहदा की ये माएँ जब अपने बच्चों के सीनों को गोलियों से छलनी देखती हैं तो करबला की उन माओं को याद करके, करबला की उस तपती रेत पर शहादत हजरत अली अकबर को याद करके उसे बर्दाश्त कर जाती हैं। एक शौकास जिस दोस्त ने फोन कर दिया था मेरी शादी का ब्याह, एक दिन मैं कफन विच वैसा मेरा बेटा वर्दी चुट के उससे मेरा इस्तकबाल करे सी। छोटा भाई था, बहुत ज़्यादा अजीज था, मिलनसार था और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। ज़ीशान हैदर मुझसे 8 साल छोटा था, तो एक उसको शुरू से ही पाकिस्तानी अफवाज को ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी थी और अक्सर वो शहादत का जिक्र भी करता रहा है अपनी क्लास फेलोज से, अपने टीचर से। उसको शहादत का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो एक बहुत ज़्यादा मिलनसार था, हर आदमी से प्यार मोहब्बत से मिलना जुलना, मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। वो शहीद जिंदा हैं, वो हमें देख रहे हैं, लेकिन हमें इतना शऊर नहीं है कि हम उनको देख सकें। भाई की बहुत ज़्यादा याद आती है, भाई था, बच्चों की तरह था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, काफ़ी उसके साथ फ्रेंडली दोस्तों वाली गपशप थी। जो कि जिस दिन वो शहीद हुआ है, शहादत से तकरीबन 32 से 33 मिनट उसने मुझसे बात की है, शहादत से आधा पौना घंटा कबल। काफ़ी अच्छी गपशप हुई है और बहुत ज़्यादा खुश था। बस फिर अचानक खबर मिली कि भाई शहीद हो गया, तो उसके बाद बस कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बस उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। चले जो हो गए शहादत का जाम पी कर तुम, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूले पाक ने बाहों में ले लिया होगा, रसूले पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शहादत पे झूमते होंगे, अली तुम्हारी शहादत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रजाएं सलाम कहती हैं, तुम्हें खुदा की रजाएं सलाम कहती हैं। ऐ राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं।